हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन टेक्निकल क्लासेस। आज हम आपके लिए वीडियो लेक्चर लेकर आए हैं इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट फर्स्ट का। इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट फर्स्ट है, फर्स्ट यूनिट का है वीडियो लेक्चर। इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट फर्स्ट यूनिट वन का यह है, यूनिट वन। देखिए यूनिट वन में कुछ नहीं पढ़ना है, सिर्फ ओनली फॉर डिफिनेशन पढ़ना है। और यूनिट वन से मतलब बहुत ही कम क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे कहते हैं इट इज द डिग्री ऑफ क्लोजनेस टू द ट्रू वैल्यू, मतलब इट इज द डिग्री ऑफ क्लोजनेस टू द ट्रू वैल्यू, मतलब क्लोजनेस टू द ट्रू वैल्यू, मतलब जो जितना क्लोज होगा ट्रू वैल्यू के उसी को कहेंगे एक्यूरेसी। मान लीजिए हमारा ट्रू वैल्यू हम मेजर किए तो ट्रू वैल्यू हमारा आया 10 एम्पीयर। हमारा ट्रू वैल्यू 10 एम्पीयर है, हम मेजर किए मेजर वैल्यू ये रहा, मेजर किए तो कभी आया हमारा 9.8, 9.9, फिर 9.7, 9.99, ऐसे ऐसा है इतना एम्पीयर। तो देखिए एक्यूरेसी क्या चीज कहता है, इट इज द डिग्री ऑफ क्लोजनेस टू द ट्रू वैल्यू, मतलब जो सबसे नजदीक हो ट्रू वैल्यू के उसे कहते हैं एक्यूरेसी। तो सबसे नजदीक यहाँ पे कौन सा है, 9.99, तो यहाँ पे हो जाएगा 9.99 इज द क्लोजनेस टू द ट्रू वैल्यू। सो यहाँ पे एक्यूरेसी चुनने का आएगा तो कहेगा 9.99 होगा एक्यूरेसी। प्रिसीजन, प्रिसीजन क्या चीज है, इट इज द डिग्री ऑफ रिपीटेबिलिटी फॉर मेजर वैल्यू, मतलब जो बार बार नंबर रिपीट कर रहा है। मान लीजिए ट्रू वैल्यू हमारा 10 एम्पीयर है और एक ही नंबर मतलब मेजर किए हम, तब हमारा 9.8, फिर आया हमारा 9.7, फिर आया 9.8, फिर आगे 9.8, फिर आगे हमारा 9.8। देखिए मतलब 9.8 यहाँ पे बार बार रिपीट कर रहा है, बार बार रिपीट कर रहा है 9.8, बार बार हमेशा मतलब हर एक बार रिपीट कर रहा है। देखिए मेजर वैल्यू होगी, मतलब जो बार बार रिपीट कर रहा है उसे कहते हैं प्रिसीजन, मतलब जो प्रिसीजन, इट इज द डिग्री ऑफ रिपीटेबिलिटी फॉर मेजर वैल्यू, मतलब जो बार बार रिपीट कर रहा है उसे मतलब कहते हैं प्रिसीजन। यहाँ पे 9.8 देखिए बार बार रिपीट कर रहा है, तो 9.8 हमारा प्रिसीजन हो गया। सेंसिटिविटी क्या चीज है, सेंसिटिविटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ चेंज इन आउटपुट टू चेंज इन इनपुट। सेंसिटिविटी इज इक्वल टू चेंज इन आउटपुट टू चेंज इन इनपुट, मतलब इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ चेंज इन आउटपुट चेंज इन इनपुट। किसी भी इंस्ट्रूमेंट का आउटपुट और इनपुट को हम रेशियो कर देंगे तो उसे कहते हैं सेंसिटिविटी। इसका ये तो हमारा एनालॉग इंस्ट्रूमेंट के लिए जो सेंसिटिविटी होता है 1/i फुल स्केल डिफ्लेक्शन, मतलब फुल स्केल डिफ्लेक्शन के बराबर होता है। कैनन का जो फुल स्केल डिफ्लेक्शन होता है उसी के बराबर होता है हमारा सेंसिटिविटी एनालॉग इंस्ट्रूमेंट के लिए। तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, देखिए वी इक्वल टू आई आर, तो आई इक्वल टू कैसे हो जाएगा वी बाई आर, यहाँ पे पुट कर दे रहे हैं एस इक्वल टू 1/v/r, तो क्या चीज हो जाएगा एस इक्वल टू v/r, मतलब वोल्टेज बटा रेजिस्टेंस। इसका देखिए यूनिट मान के चलिए, सेंसिटिविटी का यूनिट पूछ देगा तो क्या चीज होगा वोल्टेज, और सॉरी एस इक्वल टू आर बाई वी हो जाएगा। देखिए सबसे नीचे सबसे ऊपर आर बाई वी, तो देखिए इसका यूनिट पूछ देगा तो आर का रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का ओम, इसका वोल्ट का वोल्टेज का वोल्ट, मतलब ओम पर वोल्ट। सेंसिटिविटी का यूनिट होता है ओम पर वोल्ट। अब देखिए उसके बाद स्केल रेंज किसे कहते हैं, स्केल रेंज हो गया हमारा द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम मेजर वैल्यू एंड मिनिमम मेजर वैल्यू, मतलब ये डिफरेंस बिटवीन है, मतलब मैक्सिमम मेजर वैल्यू माइनस मिनिमम मेजर वैल्यू। स्केल रेंज हो गया हमारा मैक्सिमम मेजर वैल्यू माइनस मिनिमम मेजर वैल्यू, मतलब अगर हम किसी चीज को मेजर कर रहे हैं तो जो मतलब पहला मेजर किए तो मतलब पहला बार हम मेजर किए तो 9.8 आ गया, फिर अगला बार मेजर किए तो 9.7, फिर हम तीन बार मेजर किए तो 9.6 आ गया। तो मतलब मैक्सिमम यहाँ पे कौन सा हो गया 9.8 और मिनिमम 9.6, तो माइनस कर देंगे वही होगा हमारा स्केल रेंज।
उसके बाद देखिए स्पैन, स्पैन कैसे होता है, इट डिफाइन एज द डिफरेंस दी सॉरी स्पैन कैसे होता है द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पॉइंट टेन एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ पॉइंट टेन, मतलब इसका होता है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पॉइंट टेन माइनस मिनिमम वैल्यू ऑफ पॉइंटर। आप समझेंगे पॉइंटर क्या चीज होता है, पॉइंटर पॉइंटर जो है अल्मोनियम और प्लास्टिक का बना हुआ होता है, लेकिन हम लोग अल्मोनियम ज्यादातर यूज करते हैं। अगर हम आगे पढ़ेंगे तो आगे हम लोग पढ़ेंगे तो डिया सिल्वर गैल्वेनोमीटर पढ़ेंगे, फिर पीएमसी, फिर पढ़ेंगे मूविंग आयरन, फिर इलेक्ट्रोडायनामिक, सब में पॉइंटर यूज होता है। इसलिए पॉइंटर यूज होता है, पॉइंटर जो है सो स्केल है, मान हमारा स्केल है, यहाँ पे देखिए वन है, यहाँ पे मान लीजिए टेन है, बीच में एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस, ये देखिए पॉइंटर, जो पॉइंटर जो होता है जो हम लोग को बताता है कि हमारा जो स्केल स्केल का रेंज है वो अभी कहाँ पे है, मतलब आगे हम लोग पढ़ेंगे इसे डिटेल से पढ़ेंगे आगे आगे की तरफ। देखिए तो क्या चीज हुआ, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पॉइंटर एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ पॉइंटर, मतलब किसी हम मतलब हमें पॉइंटर लिए, अब पॉइंटर का रेंज जो है सो 10 तक है, तो मैक्सिमम क्या चीज हो गया 10 हो गया, मिनिमम 0 हो गया, मतलब 0 से स्टार्ट होता है और 10 तक, 10 माइनस 0 तो मतलब 10 हो जाएगा, स्पैन उसका 10 हो जाएगा। रेजोल्यूशन, इट इज द रेजोल्यूशन जो होता है सो रेजोल्यूशन हमारा क्या चीज होता है, रेजोल्यूशन जो होता है सो स्मॉलेस्ट चेंज इन मेजर वैल्यू, मतलब हम मान लीजिए मेजर वैल्यू में जो सबसे छोटी चेंज होता है, तो सबसे छोटा इंक्रीज होता है, जब सबसे छोटा चेंज हुआ उसे को कहते हैं हम लोग रेजोल्यूशन। फिर ईयर, देखिए ईयर क्या चीज होता है, ईयर जो होता है द डिफरेंस बिटवीन मेजर वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू, मेजर वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू, इसी को हम लोग बोलते हैं ईयर, मतलब मेजर वैल्यू, द डिफरेंस बिटवीन मेजर वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू इज नोन एज ईयर, मतलब ईयर को हम लोग मेजर वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू भी कह सकते हैं। अगर हम मतलब हमारा ट्रू वैल्यू 10 हम मेजर किए तो मेजर आया 9.7, तो मेजर 9.7 माइनस 10 माइनस में आ जाएगा, मतलब ईयर हमारा ठीक है जी हो जाएगा, तो मेजर वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। देखिए ईयर जो होता है, ईयर जो ईयर होता है वो तीन प्रकार का, थ्री टाइप का ईयर होता है, ईयर जो हमारा है वो थ्री टाइप का है, ईयर जो है वो तीन टाइप का है, देखिए कौन कौन, पहला जो है सो है रैंडम ईयर, दूसरा है सिस्टमेटिक ईयर, और तीसरा है ग्रॉस ईयर। देखिए रैंडम ईयर, रैंडम ईयर कैसे बोलते हैं, पहले रैंडम ईयर देखने से पहले हम लोग ग्रॉस ईयर देखते हैं। ग्रॉस ईयर, ग्रॉस ईयर जो होता है सो कब उत्पन्न होता है, किसी भी इंस्ट्रूमेंट में ग्रॉस ईयर कब उत्पन्न होता है, जब हम मान के चलिए कि ग्रॉस ईयर टेक प्लेस ड्यू टू ह्यूमन मिस्टेक, मतलब जो हम लोग मान के चलिए किसी इंस्ट्रूमेंट में हम मेजर कर रहे हैं और हमारे कुछ गलती से मतलब 151 मेजर करना था, लेकिन हम मेजर कितना कर दिए 115 मेजर कर दिए। देखिए यहाँ पे जो मेजर हो गया, जो ह्यूमन के कारण मेजर, मतलब हमारे कारण जो मेजर गलती हुआ उसे वो कहते हैं ग्रॉस ईयर। ग्रॉस ईयर क्या चीज होता है, जो हमारे कारण मतलब ह्यूमन के कारण जो मिस्टेक गलती हो जाए उसे कहते हैं ग्रॉस ईयर। तो ग्रॉस ईयर क्या चीज होता है, ग्रॉस ईयर टेक प्लेस ड्यू टू ह्यूमन मिस्टेक इन रीडिंग रिकॉर्डिंग, मतलब रीडिंग करने में गलती हो जाए चाहे रिकॉर्डिंग करने में गलती हो जाए उसे कहते हैं ग्रॉस ईयर। अब देखिए सिस्टमेटिक ईयर, सिस्टमेटिक ईयर क्या चीज होता है, सिस्टमेटिक ईयर जो होता है, सिस्टमेटिक ईयर मतलब किसी भी इंस्ट्रूमेंट में अचानक से उत्पन्न हो जाए ईयर, मतलब कोई इंस्ट्रूमेंट काम कर रहा है फिर एक उत्पन्न ईयर हो जाए, मतलब ईयर फिर शो करने लगे उसे कहते हैं सिस्टमेटिक ईयर। सिस्टमेटिक ईयर जो होता है तीन प्रकार का होता है, फर्स्ट इन्वायरमेंटल, देखिए हमारा सिस्टमेटिक ईयर है तीन प्रकार का होता है, इन्वायरमेंटल ईयर, ऑर्गेनाइजेशनल ईयर, इंस्ट्रूमेंटल ईयर। इन्वायरमेंटल ईयर, इन्वायरमेंटल ईयर किसे कहते हैं, जो इन्वायरमेंट कंडीशन के कारण उत्पन्न हो, जो ऐसा ईयर जो इन्वायरमेंटल कंडीशन के कारण उत्पन्न हो उसे कहते हैं इन्वायरमेंटल ईयर। मतलब दिस टाइप ऑफ ईयर व्हिच ऑकर ड्यू टू इन्वायरमेंटल कंडीशन इज नोन एज इन्वायरमेंटल ईयर। ऑब्जर्वेशनल ईयर, ऑब्जर्वेशनल ईयर क्या होता है, जो ऑब्जर्वेशनल स्केल में उत्पन्न हो, ऑब्जर्वेशनल स्केल में उत्पन्न हो उसे कहते हैं ऑब्जर्वेशनल ईयर। मतलब
दिस टाइप ऑफ इरर विच इज प्रेजेंट इन ऑब्जर्वेशनल स्केल, इन्होंने ऑब्जर्वेशनल इरर इंस्ट्रूमेंटल इरर जो इंस्ट्रूमेंट में प्रेजेंट हो, उसे कहते हैं इंस्ट्रूमेंटल इरर। मतलब दिस टाइप ऑफ इरर विच ऑकर इन इंस्ट्रूमेंट, इन्होंने इंस्ट्रूमेंटल इरर। अब देखिए ये तीन हो गया। अब रैंडम इरर, रैंडम इरर क्या चीज होता है? रैंडम इरर जो है हम रैंडम इरर को हम एक और नाम दे सकते हैं एक्सीडेंटल इरर, एक्सीडेंटल इरर, एक्सीडेंटल इरर। मतलब रैंडम इरर इज आल्सो नोन एज एक्सीडेंटल इरर। और रैंडम इरर जो होता है जो इंस्ट्रूमेंटल इंस्ट्रूमेंट में प्रेजेंट होता है, मतलब ये रैंडम इरर इंस्ट्रूमेंटल इरर भी होता है। मतलब रैंडम इरर टेक प्लेस इन इंस्ट्रूमेंट, मतलब रैंडम में जो होता है वो टेक प्लेस इंस्ट्रूमेंट में ही करता है, उसे कहते हैं हम लोग रैंडम इरर। अब हम चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। देखिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, इरर एनालिसिस। इरर एनालिसिस क्या चीज करता है? इरर एनालिसिस बहुत तरह से होता है, जैसे एब्सोल्यूट इरर। पहला में एब्सोल्यूट इरर, एब्सोल्यूट हमारा एब्सोल्यूट इरर क्या चीज है? एब्सोल्यूट इरर कहता है द डिफरेंस बिटवीन मेजर्ड वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू, मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू, यह हो गया हमारा एब्सोल्यूट इयर। मतलब एब्सोल्यूट इयर क्या चीज बोलता है? द डिफरेंस बिटवीन मेजर वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू, द डिफरेंस बिटवीन मेजर वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू इज कॉल्ड एब्सोल्यूट इयर। एब्सोल्यूट इयर इज इक्वल टू मेजर वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू हो गया। फिर देखिए रिलेटिव एसेटिक्स इयर, यह क्या चीज बोलता है? ये कहता है रिलेटिव एसेटिक्स इयर इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ इयर इयर टू द ट्रू वैल्यू। मतलब रिलेटिव एसेटिक्स इरर कहता है इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ इरर टू द ट्रू वैल्यू, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ इरर टू द ट्रू वैल्यू इज नोन एज रिलेटिव एसेटिक्स इरर। अब देखिए स्टैटिक्स कोरेक्शन, स्टैटिक्स कोरेक्शन क्या चीज कहता है? स्टैटिक कोरेक्शन जो है सो एब्सोल्यूट इरर का अपोजिट है। मतलब ये बोलता है द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर वैल्यू, द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर वैल्यू इज नोन एज स्टैटिक कोरेक्शन, द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर वैल्यू इज नोन एज स्टैटिक कोरेक्शन। लिमिटिंग इरर, ये हमारे क्या चीज बोलता है? लिमिटिंग इरर इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ इरर टू द नॉर्मल वैल्यू, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ इरर टू द नॉर्मल वैल्यू इज नोन एज लिमिटिंग लिमिटिंग इरर, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ इरर टू द नॉर्मल वैल्यू इन ऑन लिमिटिंग इरर। अब देखिए ग्रांटेड एक्यूरेसी इरर, ग्रांटेड एक्यूरेसी इरर क्या चीज बोलता है? इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ इरर टू द फुल स्केल डिफ्लेक्शन, फुल स्केल डिफ्लेक्शन। ग्रांटेड एक्यूरेसी इरर क्या चीज बोलता है? इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ इरर टू द फुल स्केल डिफ्लेक्शन। देखिए अब आप लोग को पूछेगा, देखिए इस पर न्यूमेरिकल आता है, मतलब क्वेश्चन में सब चीज दिया रहेगा, सब टोटल चीज दिया रहेगा, इयर भी दिया रहेगा, ट्रू वैल्यू भी दिया रहेगा, आपको पूछेगा रिलेटिव एसेटिक्स इरर निकालने के लिए, तो आप नहीं निकाल सकते हैं, आप क्वेश्चन आराम से निकाल सकते हैं। उसी तरह से क्वेश्चन में सब चीज दिया रहेगा, बस आपको सिर्फ निकालना रहेगा, मतलब क्वेश्चन सब दिया रहेगा और बाकी सब चीज बाकी निकालना रहेगा। देखिए हम एक क्वेश्चन इस पर करवा देते हैं, और इसको करवाने से पहले देखिए थोड़ा सा जान लीजिए, कभी कभी पूछ देगा परसेंटेज रिलेटिव एसेटिक्स इरर, इसको क्या होगा? परसेंटेज रिलेटिव एसेटिक्स इरर, तो कुछ नहीं बस इतना इनटू 100 कर देंगे हम लोग, हो गया हमारा परसेंटेज रिलेटिव एसेटिक्स इरर। उसी तरह से पूछेगा कभी कभी परसेंटेज लिमिटिंग इरर, तो क्या चीज होगा? इरर बाय नॉर्मल वैल्यू इनटू 100 कर देंगे, हो गया हमारा। फिर पूछेगा ग्रांटेड एक्यूरेसी इरर, मतलब परसेंटेज ग्रांटेड एक्यूरेसी इरर, तो हम क्या चीज करेंगे? बस कुछ नहीं, बस इरर बाय प्लस कर डिफ्लेक्शन इनटू 100 कर देंगे, हो गया हमारा परसेंटेज ग्रांटेड एक्यूरेसी इयर। अब देखिए अब चलते हैं हम लोग एक न्यूमेरिकल की तरफ। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या चीज करता है? एन एमीटर व्हिच मेजर वैल्यू इज 110 एम्पीयर, मतलब एक एमीटर में हमारा मेजर वैल्यू है जो 110 एम्पीयर है, एंड ट्रू वैल्यू इज 100 एम्पीयर, ट्रू वैल्यू उसका 100 एम्पीयर है, तो फाइंड इरर स्टैटिक्स कोरेक्शन रिलेटिव एसेटिक्स इरर एंड परसेंटेज रिलेटिव एसेटिक्स इरर। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए सॉल्यूशन लिखेंगे, पहले इसका हम लिखेंगे मेजर वैल्यू हमें कितना दिया हुआ है 110 एम्पीयर, फिर लिखेंगे हम इसका ट्रू वैल्यू कितना है 100 एम्पीयर। अब देखिए फर्स्ट में हम क्या चीज सॉल्व करने के लिए बोल रहा है? इरर, इरर क्या चीज होता है? इरर, तो हम बताएं इरर क्या चीज होता है?
द डिफरेंस बिटवीन मेजर वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू, मतलब दोनों मेजर वैल्यू ट्रू वैल्यू का डिफरेंस बिटवीन कराता है इधर, तो क्या चीज है मेजर वैल्यू क्या चीज हो जाएगा 110 माइनस 100 और एम्पियर तो कितना हो जाएगा 10 एम्पियर, ये हो गया हमारा एरर। अब देखिए दूसरा में क्या चीज बोल रहा है स्टैटिक्स करेक्शन, स्टैटिक्स करेक्शन, स्टैटिक क्वेश्चन बता रहे थे क्या चीज होता है स्टैटिक्स करेक्शन, स्टैटिक्स क्वेश्चन क्या चीज होता है बताया थे डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर वैल्यू, ट्रू वैल्यू एंड मेजर वैल्यू मतलब ट्रू वैल्यू, ट्रू वैल्यू हमारा कितना है 100 और मेजर वैल्यू कितना है 110 एम्पियर इज इक्वल टू माइनस 10 एम्पियर, ये हो गया हमारा स्टैटिक्स करेक्शन। देखिए तीसरा में क्या चीज बोल रहा, तीसरा में बोल रहा रिलेटिव स्टैटिक्स एरर, मतलब रिलेटिव स्टैटिक्स एरर यह क्या चीज होता है एरर बाय ट्रू वैल्यू, ये होता है एरर बाय ट्रू वैल्यू। तो एरर देखिए हमारा कितना निकल के आया, एरर आया हमारा निकल के 10 एम्पियर बाय देखिए ट्रू वैल्यू, ट्रू वैल्यू हमारा कितना है 100 एम्पियर, तो क्या चीज हो जाएगा 1/10 इज इक्वल टू 0.1। अब देखिए चौथा फोर क्या चीज बोल रहा है परसेंटेज रिलेटिव स्टैटिक्स एरर, रिलेटिव स्टैटिक्स एरर इज इक्वल टू क्या चीज होता है एरर बाय ट्रू वैल्यू इंटू 100, यही होता है। देखिए एरर हमारा 10 है बटा 100 इंटू 100 इज इक्वल टू देखिए ये से कट गया 1 0 से 1 0 मतलब 10% देखिए ये तो यहां से आ गया 10%, इसे हम एक और मेथड से निकाल सकते हैं। देखिए ये तो यहां ये निकल गया, अब दूसरा मेथड देखिए निकालने का हमारा पूछ रहा है परसेंटेज रिलेटिव स्टैटिक्स एरर, देखिए तो हम रिलेटिव स्टैटिक्स एरर निकाल के लाए 0.1 और परसेंटेज कर रहा था इंटू 100 कर देंगे तो क्या चीज हो जाएगा 1/10 इंटू 100 इज इक्वल टू 10%, यही ना आया था पिछला बार। देखिए दो तरह से निकाल सकते हैं, देखिए एक और क्वेश्चन हम लेते हैं इस पर, देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या चीज बोलता है ए मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट हैज फुल स्केल डिफ्लेक्शन वैल्यू इज 0 to 200 volt एंड इट्स ट्रू वैल्यू इज 110 वोल्ट एंड मूविंग एंड मेजर वैल्यू इज 100 वोल्ट फाइंड परसेंटेज ग्रांटेड एक्यूरेसी एरर, मतलब सॉल्यूशन क्या चीज का हमको दिया हुआ है, दिया हुआ है हमारा फुल स्केल डिफ्लेक्शन, फुल स्केल डिफ्लेक्शन कितना दिया हुआ है 200 वोल्ट ठीक। उसके बाद क्या चीज है ट्रू वैल्यू दिया हुआ है, ट्रू वैल्यू 110 वोल्ट, फिर मेजर वैल्यू कितना हमारा दिया हुआ है मेजर वैल्यू 100 वोल्ट, पूछ रहा है कि क्या चीज परसेंटेज ग्रांटेड एक्यूरेसी, तो मतलब पहले ग्रांटेड एक्यूरेसी निकालेंगे, ये क्या चीज होता है ईयर बाय ईयर बाय फुल स्केल डिफ्लेक्शन, देखिए हमारा तो ईयर फुल स्केल डिफ्लेक्शन तो मालूम है लेकिन ईयर तो नहीं ना मालूम है, देखिए ईयर निकाल के हम क्या चीज करेंगे, हम जानते हैं ईयर बराबर क्या चीज होता है ईयर बराबर मेजर वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू, मेजर वैल्यू हमारा कितना है 100 वोल्ट माइनस 110 वोल्ट कितना हो जाएगा माइनस 10 वोल्ट, ये हो गया। उसके बाद देखिए उसके बाद हम वैल्यू रख देंगे और कि और कुछ नहीं, देखिए जब हम माइनस 10 वोल्ट आए अगर हम इसे वैल्यू रखेंगे तो सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू रखाता है, मतलब पॉजिटिव वैल्यू रखाता है निगेटिव वैल्यू नहीं रखाता है, लेकिन परसेंटेज ग्रांटेड एक्यूरेसी कैसे होता है ईयर बाय फुल स्केल डिफ्लेक्शन इनटू 100, तो मतलब ये कितना हो गया हमारा, ये हो गया हमारा 10 और फुल स्केल डिफ्लेक्शन कितना है 200 इंटू 100 कितना हो जाएगा, देखिए 2 से 2 मतलब 5%, ये हो गया हमारा आंसर। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, देखिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नॉइज, नॉइज नॉइज क्या चीज होता है, नॉइज जो है सो इलेक्ट्रिकल अनवांटेड सिग्नल है जो हम लोग को डिस्टर्बेंस करता है ओरिजिनल साउंड सिग्नल में, मतलब नॉइज इज एन इलेक्ट्रिकल अनवांटेड सिग्नल व्हिच इज यूज्ड टू प्रोड्यूस डिस्टर्बेंस और इंटरफेरेंस इज और इंटरफेरेंस इन ओरिजिनल साउंड सिग्नल, मतलब नॉइज जो है सो हम लोगों का डिस्टर्बेंस करता है ओरिजिनल साउंड सिग्नल में, मतलब जो हमारा ओरिजिनल साउंड सिग्नल उसमें नॉइज एड हो जाएगा तो हमारा जो ओरिजिनल साउंड सिग्नल होगा वो हमारा डिस्टर्ब हो जाएगा, उसी को कहते हैं नॉइज, नॉइज जो डिस्टर्ब करता है ओरिजिनल साउंड सिग्नल को, मतलब एक बार हम बोल रहे हैं डिफाइन
इट इज नॉइज इज एन इलेक्ट्रिकल अनवांटेड सिग्नल व्हिच इज यूज्ड टू प्रोड्यूस इंटरफेरेंस और डिस्टर्बेंस इन ओरिजिनल साउंड सिग्नल। देखिए नॉइज जो होता है सो डिस्टर्बेंस करता है ओरिजिनल साउंड सिग्नल है, मतलब इट ऑल्सो डिस्टर्ब द ओरिजिनल साउंड सिग्नल। और नॉइज जो है सो हम लोग को एसी वोल्टमीटर के द्वारा हम नॉइज को माप सकते हैं। देखिए नॉइज जो है सो दो प्रकार का होता है, एक्सटर्नल नॉइज और इंटरनल नॉइज, दो प्रकार का होता है। एक्सटर्नल नॉइज और दूसरा हमारा इंटरनल नॉइज। एक्सटर्नल और इंटरनल नॉइज, एक्सटर्नल नॉइज कैसे बोलते हैं, एक्सटर्नल नॉइज जो है सो एक्सटर्नल नॉइज प्रोड्यूस आउटसाइड द कम्युनिकेशन सिस्टम, मतलब जो हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम है उसके बाहर प्रोड्यूस होता है एक्सटर्नल नॉइज, उसी को कहते हैं एक्सटर्नल नॉइज प्रोड्यूस आउटसाइड द कम्युनिकेशन सिस्टम, और नहीं तो नेचुरल फेरोमेना के कारण जो प्रोड्यूस होता है उसे कहते हैं एक्सटर्नल नॉइज। द नॉइज ऑकर ड्यू टू नेचुरल फेनोमेना, मतलब जो नेचुरल फेनोमेना के कारण जो उत्पन्न होता है उसे कहते हैं एक्सटर्नल नॉइज। द नॉइज भीच ऑकर ड्यू टू नेचुरल फेनोमेना एक्सटर्नल नॉइज। और इंटरनल नॉइज क्या, इंटरनल नॉइज जो है सो हमारा इंटरनल नॉइज प्रोड्यूस इनसाइड द कम्युनिकेशन सिस्टम, मतलब जो हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम है उसके अंदर प्रोड्यूस होता है इंटरनल नॉइज, उसी को कहते हैं मतलब द नॉइज भीच प्रोड्यूस इनसाइड द कम्युनिकेशन सिस्टम, मतलब जो इंटरनल नॉइज है जो कम्युनिकेशन सिस्टम के अंदर प्रोड्यूस होता अंदर उत्पन्न होता है। एक्सटर्नल नॉइज को भी डिवाइड किया गया 4 टाइप में और इंटरनल नॉइज के टाइप डिवाइड किया गया 5 टाइप में, पर हम मतलब टाइप नहीं जाएंगे क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा और ये सब ज्यादा क्वेश्चन पूछता नहीं है, हम लोग पास टाइम बहुत कम है इसलिए थोड़ा इम्पोर्टेंट डील कर रहे हैं और छोड़ दे रहे हैं। इफिशियंसी क्या चीज है, इफिशियंसी हमारा है इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ आउटपुट क्वांटिटी टू द इनपुट क्वांटिटी, मतलब जो हमारा आउटपुट क्वांटिटी है इनपुट क्वांटिटी उसका ये रेशियो है, आउटपुट क्वांटिटी इनपुट क्वांटिटी का रेशियो कहते हैं इफिशियंसी। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ आउटपुट क्वांटिटी टू द इनपुट क्वांटिटी इन इफिशियंसी। रिफ्लेक्टर क्या है, रिफ्लेक्टर जो है सो 1 बाय इफिशियंसी है, 1 बाय इफिशियंसी मतलब क्या चीज हो गया, इनपुट क्वांटिटी टू आउटपुट क्वांटिटी, मतलब लिखा सकते हैं इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ इनपुट क्वांटिटी टू आउटपुट क्वांटिटी, या इसी को और कह सकते हैं इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ इफिशियंसी। अब देखिए हमारा जो फर्स्ट यूनिट का सबसे लास्ट टॉपिक स्केल, स्केल क्या चीज है, स्केल जो है सो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है जो मेजर करता है डिक्रीजिंग वैल्यू को, इंक्रीजिंग वैल्यू को, चाहे तो इंस्टेंट टू इंस्टेंट इंक्रीजिंग, मतलब हर धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा चाहे धीरे धीरे डिक्रीज कर रहा, उस ऐसा वैल्यू को यह है जो है सो मेजर करता है, मतलब इंस्टेंट टू इंस्टेंट इंक्रीजिंग चाहे इंस्टेंट टू इंस्टेंट डिक्रीजिंग चाहे ओनली इंक्रीजिंग नहीं तो ओनली डिक्रीजिंग, मतलब स्केल जो है सो स्केल इज ए मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट व्हिच इज यूज्ड टू मेजर इंस्टेंट टू इंस्टेंट डिक्रीजिंग ओनली इंक्रीजिंग और ओनली डिक्रीजिंग वैल्यू, मतलब स्केल जो है सो चाहे तो इंक्रीज करते वैल्यू को चाहे डिक्रीज करते वैल्यू को, चाहे धीरे धीरे इंक्रीज करते वैल्यू को चाहे धीरे डिक्रीज करते वैल्यू को सारा कंपेयर करते हैं, कहते हैं स्केल। स्केल जो है सो 2 टाइप का होता है, स्केल जो है सो स्केल को 2 भाग में डिवाइड किया गया है, पहला है लीनियर स्केल और दूसरा है नॉन लीनियर स्केल। लीनियर स्केल मतलब लीनियर स्केल जो है सो इंस्टेंट टू, मतलब लीनियर स्केल जो है सो ओनली इंक्रीजिंग ओनली डिक्रीजिंग वैल्यू को मेजर करता है, मतलब लीनियर स्केल द स्केल व्हिच इज यूज्ड टू मेजर ओनली इंक्रीजिंग ओनली डिक्रीजिंग वैल्यू, मतलब ओनली फॉर इंक्रीजिंग वैल्यू ओनली फॉर डिक्रीजिंग वैल्यू को मेजर करता है लीनियर स्केल। इसका ग्राफ कैसा होगा लीनियर स्केल का, लीनियर स्केल ग्राफ चाहे ऐसा होगा, देखिए इंक्रीज कर रहा है नहीं तो डिक्रीज कर रहा है,
ऐसा ग्राफ होगा, ये इंक्रीजिंग का ग्राफ हो गया, डिक्रीजिंग का ग्राफ हो गया, या लिनियर स्केल का, मतलब द स्केल व्हिच इज यूज्ड टू मेजर ओनली इंक्रीजिंग और ओनली डिक्रीजिंग वैल्यू इन योर लिनियर स्केल, नॉन लिनियर स्केल, नॉन लिनियर स्केल जो है सो इंस्टेंट टू इंस्टेंट इंक्रीजिंग, इंस्टेंट टू इंस्टेंट डिक्रीजिंग, यही तो वैल्यू को मेजर करता है, इसे कहते हैं नॉन लिनियर स्केल। द स्केल व्हिच इज यूज्ड टू मेजर इंस्टेंट टू इंस्टेंट इंक्रीजिंग और इंस्टेंट टू इंस्टेंट डिक्रीजिंग वैल्यू इज नोन एज नॉन लिनियर स्केल। मतलब देखिए ऐसा इंक्रीज कर रहा है, कभी डिक्रीज कर रहा है, इंक्रीज किया फिर डिक्रीज किया फिर इंक्रीज किया फिर डिक्रीज फिर इंक्रीज फिर डिक्रीज फिर इंक्रीज फिर डिक्रीज, मतलब इंक्रीज डिक्रीज इंक्रीज डिक्रीज लगता रहता है, उसे कहते हैं हम लोग नॉन लिनियर स्केल। ग्राफ ऐसा होगा, ये देखिए ऐसा होगा। अब देखिए और एक और है डिफरेंस बिटवीन एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन, एक्यूरेसी और प्रिसीजन में डिफरेंस बिटवीन एक्यूरेसी और प्रिसीजन, ए डबल सी यू आर, एक्यूरेसी और प्रिसीजन में डिफरेंस बिटवीन क्या चीज है एक्यूरेसी, एक्यूरेसी का बताया था एक्यूरेसी क्या चीज होता है, पहले इसका डिफाइन कर दीजिएगा दोनों का, मतलब इट इज द डिग्री ऑफ क्लोजनेस टू ट्रू वैल्यू, इट इज द डिग्री ऑफ रिलेटिविटी फॉर मेजर्ड वैल्यू। दूसरा एक्यूरेसी जो है जो प्रिसीजन पर डिपेंड करता है, बट प्रिसीजन जो है एक्यूरेसी पर डिपेंड नहीं करता, मतलब एक्यूरेसी डिपेंड अपॉन प्रिसीजन बट प्रिसीजन डोंट डिपेंड ऑन एक्यूरेसी, एक्यूरेसी जो है डिपेंड करता है प्रिसीजन पर, बट प्रिसीजन जो है डिपेंड नहीं करता एक्यूरेसी पर। और फिर देखिए एक्यूरेसी, एवरी एक्यूरेसी इज प्रिसीजन, मतलब हर एक एक्यूरेसी प्रिसीजन हो सकता है, लेकिन हर एक प्रिसीजन एक्यूरेसी नहीं हो सकता है। यही हो गया हम इसका डिफरेंस बिटवीन। अब हम मिलेंगे अगले और ये हमारा यूनिट वन आज कंप्लीट हो गया, हम मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक मतलब नेक्स्ट यूनिट यूनिट टू की तरफ से। तो इतने के लिए अब आज के लिए धन्यवाद।